हाय दोस्तों, कैसे आप सभी? दोस्तों फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज की वीडियो उन सभी पीएसएल निवेशकों के लिए है जो दोस्त पीएसएल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं और वो पता करना चाहते हैं कि हमारा पैसा कब तक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए और जो दोस्त चाहते हैं कि उनका पैसा लगता है मिलना शुरू हो गया, तो वो दोस्त इस वीडियो को ना देखें क्योंकि बाद में वही लोग यही कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और गलत निर्णय रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप चाहता हूं कि वे लोग हमारे चैनल हमारे वीडियो को ना देखें और ना ही उस पर कोई रिव्यू दें, ठीक है दोस्त? तो इन लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वे लोग हमारे वीडियो को ना देखें। अगर उनको लगता है कि हमारा वीडियो गलत है और हम बकवास कर रहे हैं, तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वे लोग ना हमारे वीडियो को देखें और ना ही अपना कोई रिव्यू दें, ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ना ही हमारे वीडियो को लाइक करें। जिन दोस्तों को लगता है कि मैं आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आप लोगों को सही राह बता रहा हूँ, तो उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ में यहाँ पर देखिए रेड कलर जो बटन है इसको ऑन कर लीजिएगा और ये यहाँ पर जो बेल आइकन इसको भी ऑन करके रखें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी। क्योंकि मैं आप लोगों को चिटफंड से जुड़ी हर न्यूज दूंगा जो कि लीगल होगा और सही इन्फॉर्मेशन होगा, बाकी चैनल बाकी यूट्यूबर की तरह मैं आप लोगों को फेक न्यूज नहीं दूंगा। क्योंकि अगर जिन दोस्तों को लगता है कि आप फेक न्यूज दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और गलत न्यूज है, सब झूठ बोल रहे हैं, तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वे लोग इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दें, आगे ना बढ़ के ओके तो यहीं पर छोड़ के चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो बाद में मुझे वो ये कमेंट मत करें कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं और गलत न्यूज़ दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक नया इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि बहुत ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राजेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य जी लाइव टच। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि डेली आप लोगों को चिटफंड से जुड़ी न्यूज मिलती रहेगी और वो भी लीगल और वो भी प्रूफ के साथ में। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ था कि बहुत सारे मैंने पिछले वीडियो अपलोड किए थे जिसमें मैंने आप लोगों को सेबी द्वारा अपलोड किए गए तुरंत के तुरंत, यानी जो न्यूज आज अपलोड होता था मैं कल आप लोगों को रिव्यू करता था, लेकिन लोग उस बात को विश्वास नहीं करते। बस उन लोगों को बस यही लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सेबी भी झूठ बोल रहा है, तो सेबी झूठ बोल रहा है तो ये भी मान के रखिए कि आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो दोस्तों जी आप लोग कहेंगे कि पैसा क्यों नहीं मिलेगा, तो दोस्तों जब मैं आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आप लोगों को लगता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो पहले सेबी वहाँ पर क्या बोल रहा है ये भी देखिए, और बहुत से यूट्यूबर आप लोगों को बता रहे हैं कि पैसा मिलना शुरू हो गया। तो भैया पैसा मिलना शुरू हो गया तो तुम्हारा पैसा क्यों नहीं आया, तुम्हारा भी पैसा आ जाना चाहिए था, और सभी का पैसा आ रहा है तो तुम्हारा पैसा क्यों अटका हुआ है, तुम्हारा भी पैसा आ जाना चाहिए ना। तो भाई ये सब दोस्तों ये सब बकवास है। अभी तक पीएसएन और सेबी ने मिलकर किसी का भुगतान नहीं किया है। दोस्तों इन सभी लफड़ा में मत पड़ेगा कि उनका पैसा आ गया और उनका पैसा आने वाला है। तो दोस्तों ये सब सरासर झूठ है। मैं आप लोगों को हर वीडियो में यही एडवाइस देता हूं कि अभी तक सेबी ने किसी का भुगतान नहीं किया है। अगर सेबी किसी का भुगतान करेगा तो उसके पासबुक जब वो प्रिंट आउट करेगा तो उसके पासबुक में सेबी लिखा रहेगा, ओके दोस्त? ये एक बात जांच कर लीजिएगा। इसका रिव्यू मैं आप लोगों को हो सकता है कोई वीडियो या फिर इन्फॉर्मेशन मिलती तो मैं आप लोगों को पूरा प्रूफ दे दूंगा कि जो है सेबी पैसा भेजेगा तो वहाँ पर उसका क्या निशान रहेगा, ओके? तो मैं आप लोगों को यही बात हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लोगों को लोग गलत वीडियो को में मत फंसिए, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को गलत ही एडवाइस दी जाए और आप लोग उस गलत एडवाइस को ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों गलत एडवाइस लेने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप लोग वहां पर जा सकते हैं, इस वीडियो को आप यहीं पर स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्त मैं आप टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को चलता हूँ सही राह दिखाने के लिए और सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो कि आप लोग
सेबी के, आप लोग सेबी के उसके पोर्टल पर ही देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक वेबसाइट पर लेकर चल के दिखाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को उसका लिंक, सेबी का उसका भी लिंक दे दूंगा और वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। जिन दोस्तों को इंग्लिश में यानी कि सेबी जो है उन्होंने अपने, चलिए दोस्त मैं पहले आप लोगों को साइट पर लेकर चलता हूँ। ये रहा वेबसाइट जहाँ पर सेबी ने इंफॉर्मेशन सेंड किया था, वो भी किस दिन, 21 अगस्त को। 21 अगस्त को सेबी ने इंग्लिश में अपने वेबसाइट पे, अपने पोर्टल पे, वेबसाइट पर अपलोड किया था, लेकिन इस वेबसाइट पे आप लोगों को हिंदी में देखने को मिलेगा। अगर जिन दोस्तों को इंग्लिश में चाहिए तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर जिन दोस्तों को यानी कि पूरा समझना है, अगर जिन दोस्तों को सिर्फ देखना है कि हाँ सच बोल रहे हैं झूठ, तो वो लोग चेक करने के लिए सेबी का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग खुद देखना और पढ़ना समझना चाहते हैं, तो इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर आइएगा, इसको चेक करके पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त यहाँ पर आएगा PACL FAQ और सार्वजनिक नोटिस, यानी कि इन्होंने पब्लिक को नोटिस किया है, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है, अगर कोई भी कोई भी प्रस्ताव उनके पास जाता तो वे लोग अपने पोर्टल पे आप लोगों को नोटिस कर देंगे। सार्वजनिक नोटिस चल रहा है इस वक्त, वो अभी तक जो कि सिर्फ पर्सनल होता था, लेकिन अब वो है कि यहाँ पर सार्वजनिक कर दिया गया है, यानी इसको सभी लोग देख सकते हैं, सभी PSL निवेशक देख सकते हैं, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया वे सभी लोग देख सकते हैं। हम झूठ बोले हैं, लेकिन सेबी झूठ नहीं बोला यहाँ पर, ठीक है दोस्त। चले दोस्त आगे देखते हैं आप क्या कहेगा। PSL लिमिटेड द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2018 को संशोधित प्रस्ताव के काउंटर प्रपोजल संशोधित प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, यानी कि 2018 में ही काउंटर प्रपोजल के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, वो जो है उसके बारे में उन्होंने पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। इन्होंने बताया है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RM लोढ़ा समेत PSL लिमिटेड के मामले में को PSL लिमिटेड से दिनांक 3 जुलाई 2018 को एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका प्रस्ताव आप लोग सेबी के पोर्टल पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि sebi.go.in पर उपलब्ध है PSL.html समेत PSL लिमिटेड के संशोधित प्रस्तावों की तुलना में PSL लिमिटेड के संशोधित प्रस्ताव 3 जुलाई 2018 के पत्र की तुलना में उच्चतर प्रस्ताव पर विचार कर रही है। 16/2018 PSL को समिति द्वारा संशोधित उपरोक्त साइट पर भी उपलब्ध है। 16 मार्च 2018 को उपरोक्त संचार में निहित काउंटर संशोधित प्रस्ताव नियमों पर विचार किया जाएगा, जो तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है। दोस्तों इन्होंने पूरा का पूरा विस्तार किया हुआ है, पूरा का पूरा विस्तार में इन्होंने बताया हुआ है। तो दोस्तों सही न्यूज अब हम पढ़ते हैं, इस सही न्यूज में क्या है। अगर आप लोगों को झूठ लग रहा है फिर भी जा सकते हैं, अभी भी आप लोगों को मौका है। बाद में ये मत कहिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं ये झूठ है और गलत है, ठीक है दोस्त। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग ये न मत कहना कि आपने बताया नहीं, ओके दोस्त। तो यहाँ पर पॉइंट्स नंबर 1 है, यहाँ पर बताया जा रहा है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RM लोढ़ा समेत PSL के मामले में। तो देखिए दोस्त यहाँ पर जो PSL के मामले में RM लोढ़ा कमेटी जो इन सब ने क्या डिसीजन है, इनका क्या विचार कर रहे हैं, वो सब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा, अगर पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए, अगर आधा अधूरा नॉलेज चाहिए तो आप लोग रास्ते में ही छोड़कर इसको जा सकते हैं, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन जब तक आप लोगों को होगा नहीं, तब तक आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक आप लोग परेशान रहेंगे, यही कहेंगे कि हमारा पैसा कब मिलेगा, क्या हुआ अभी तक, इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन आई है। तो दोस्तों इस वीडियो में सारा सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, फिर भी लोग आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं और बाद में कमेंट करते हैं, और जो कमेंट करते हैं वो शायद लगभग आप लोगों का
जो पॉइंट्स होता है वो आपका वीडियो में ही होता है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और कमेंट कर देते हैं। दोस्तों आपका कमेंट हमारे पास बहुत सारे आते हैं, सभी का रिप्लाई देना पड़ता है और बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए दोस्त मैं चाहता हूँ पूरा पूरा वीडियो देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। देखिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 23 फरवरी 2018 के उपरोक्त आदेश के आगे, जिसमें माननीय न्यायालय शामिल है, ने यानी माननीय न्यायालय ने कहा है कि संपत्ति की बिक्री न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की रिपोर्ट के अनुसार की जा सकती है। उक्त समिति की देखरेख में अपनी संपत्तियों की बिक्री को पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए पीएसएल लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है, नियमों शर्तों के साथ यहाँ निहित है। यानी कि यहाँ पे जो है कि ये लोग पूरा बिक्री करने के लिए भी तैयार हैं और पूरा जो इनकी जो प्रॉपर्टी पूरा बिक्री होगा और उन उसमें जो कुछ शर्तें होंगे उसको यहाँ पर निहित करेंगे और ध्यानपूर्वक रख के उसको बिक्री के लिए भेजेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आता है, समिति ने नीलामी के माध्यम से पहले ही बेच दिया है 113, यानी कि नीलामी में इन्होंने संपत्ति के जो नीलामी के माध्यम से इन्होंने पहले ही बेचा था 113 संपत्तियाँ, जिनमें से पहले ही दिनांक 9 फरवरी 2018 को पत्र के साथ विचाराधीन पत्र संप्रेषित कर दिया गया है। इसके अलावा और कुछ संपत्तियों को श्री द्वारा जारी किया गया है। विर्क जिला न्यायाधीश सेवानिवृत्त विभिन्न दलों से आपत्तियों आवेदन की सुनवाई के बाद समिति द्वारा नियुक्त किया गया है, जो सेबी की वेबसाइट पे उपलब्ध है। दोस्तों मैं आप लोगों से यही बताता हूँ कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग सेबी की वेबसाइट भी चेक किया कीजिए। तो ये लोग बता रहे हैं कि सारा का सारा प्रोसेस वेबसाइट सेबी की पोर्टल पे उपलब्ध है। तो पॉइंट नंबर 3 आता है, पीएसएल लिमिटेड को इस समिति के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इस संचार की तारीख से 4 सप्ताह से अधिक की अवधि के भीतर पीएसएल लिमिटेड के समिति वाली संपत्तियों का भी विवरण, सभी विवरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त 2017 के आदेशानुसार ऐसे गुणों को श्रेणीबद्ध दावों से मुक्त और जो नहीं है को श्रेणीबद्ध करना है। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो इनका जो श्रेणीक्रम है, जो भी पूरा इनका डाटा है, वो इसलब ये लोग पूरा का पूरा श्रेणीबद्ध रखेंगे और उसको संपत्ति का जो पूरा डाटा है वो लोग यानी कि पूरी संपत्ति का इस संचार की तारीख से यानी कि सप्ताह के 4 सप्ताह के से अधिक की अवधि के भीतर ये लोग पूरा फाइनल कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पर भी आप लोग देखकर पढ़ के समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 आता है, पीएसएल लिमिटेड जितना संभव हो सके और इस संचार की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर किसी भी घटना में समिति को सेबी के पक्ष में 500 करोड़ रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और दे होगा मुंबई एक साथ बिना शर्त अंडरटेकिंग के साथ साथ 3 एडनोबो में निर्दिष्ट गुणों के संबंध में, जिसमें MR नंबर वाली संपत्तियां शामिल है जिन्हें CBI द्वारा जब्त किया गया। जी हां दोस्तों इन्होंने बताया हुआ है PSL लिमिटेड जितना संभव हो सकेगा इस संचार को तारीख यानी कि ये लोग 2 सप्ताह के भीतर ही इस घटना को पूरा पूरा फाइनल कर देंगे, लेकिन इन्होंने बताया है कि इसमें ज़्यादा समय लग सकता है अंडरटेकिंग के बिना में, यानी जो मुंबई अंडरटेकिंग के अंदर में कुछ प्रॉपर्टी थी और जिसको CBI ने अपने अंडर में करके उसको जब्त कर लिया है उसमें भी कुछ समय लग सकता है। पॉइंट नंबर 4 आता है, जिसमें आप लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इन्होंने कुछ यानी कि शर्त बताए हुए हैं। तो चलिए दोस्त यहाँ पर हम लोग कुछ शर्तें भी देख लेते हैं कि इनका कौन कौन सी शर्त है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, इन्होंने शर्त में क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया पॉइंट नंबर 5 में, उपर्युक्त 4 में उल्लिखित बिना शर्त उपक्रम में निम्नलिखित शामिल होनी चाहिए,
यहाँ पर जो शर्त है वो जो आप लोगों चार पॉइंट्स आपने कवर किया है उसके अंदर ये चार यहाँ पे जो आप लोग शर्त बताएंगे उनको होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ऊपर जो बताया गया है वो बिना शर्त के हैं, इसलिए यहाँ पर शर्त बताई जा रही। प्रॉपर्टी के संबंध में PSL LLD द्वारा लाई जाने वाली राशि प्रचलित सलकर रेट के आधार पर प्रॉपर्टी के संचयी मूल्य की गणना करने और प्रचलित मार्केट वैल्यू के संबंध में होने वाली राशि से कम नहीं होगा होगा, यानी उस पर विचार भी होगी। ठीक ओके दोस्त, पॉइंट नंबर ओ ए था। अब इसके बाद पॉइंट नंबर बी, निवेशकों के प्रति PSL लिमिटेड की देयता PSL लिमिटेड या किसी संभावित खरीदार द्वारा खरीद मूल्य के भुगतान के साथ बंद नहीं होगी और PSL आगे की मात्रा में जमा सुनिश्चित करना जारी रखेगा, जैसा कि हर किसी के लिए आवश्यक हो सकता है। निवेशक का दावा संतुष्ट है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो निवेशक है उसका दावा अगर पूरी तरह से सक्रिय है, सही है, तो यहाँ पर PSL उसका भुगतान करने के लिए उसका पूरा का पूरा भुगतान करेगा। उन्होंने जितना जमा किया है उस पर पूरा विचार करके रखेगी और जितना जमा किया उसका पूरा पूरा आपको मिलेगा और ब्याज के लिए भी आगे देखिए क्या बताया जाता है। पॉइंट नंबर संपूर्ण कंसीडरेशन राशि में से 40% जिसमें रुपये 500 EMD के रूप में जमा किए गए हैं PSL लिमिटेड द्वारा 4 महीने और शेष अवधि के भीतर जमा किए जाएंगे। समिति द्वारा PSL लिमिटेड के प्रस्ताव की स्वीकृति की तारीख से 1 वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर संपूर्ण विचारधारा। पॉइंट नंबर अगला है, PSL का यह घोषणा करेगा कि अंडरटेकिंग में निहित नियम और शर्तें PSL और उसके निर्देशकों के लिए बाध्यकारी होंगे, यानी कि जो इनका अंडरटेकिंग में जो इनका कुछ जो प्रॉपर्टी उसमें जाती है उसमें कुछ PSL के जो निर्देश हैं उसमें बाधा हो सकती है। ओके दोस्त, तो अंडरटेकिंग में श्री NS भंगू पल्स ग्रुप के चेयरमैन का एक व्यक्तिगत उपक्रम शामिल होगा जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि वे अंडरटेकिंग में निहित नियमों और शर्तों से बिना शर्त संबंध बांधे होंगे, यानी कि बताया जा रहा है जो अंडरटेकिंग में श्री NS भंगोपल्स ग्रुप के चेयरमैन हैं इनका जो संबंध जो पूरा पूरा इन्होंने प्रॉपर्टी है जो इनकी शर्त हैं और उन सभी में पल्स के जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए इन सभी जो अंडरटेकिंग का जो शर्त है उसमें PSL का कोई भी शर्त जो है उसमें नहीं जाएगा, यानी उसके अंदर कोई शर्त नहीं लागू होगा। ओके दोस्त, PSL का उन व्यक्तियों संस्थाओं की घोषणा करेगा जिनके प्रस्ताव इसके द्वारा लाए गए हैं PSL से संबंधित या संबंधित नहीं। आगे भी कुछ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। प्रस्ताव में संपत्तियों की एक सूची MR संख्या के साथ अगर संपत्ति CBI द्वारा जब्त की गई है भी शामिल होगी, साथ ही उस विशेष संपत्ति के लिए संबंधित सर्कल दर और मूल के आधार पर गणना के आधार पर इसे शामिल किया जाएगा। प्रत्येक गुण के विरुद्ध सर्किल रेट को बताया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी है PSL की, चाहे वो सेबी के अंडर में हो या फिर PSL के अंडर में हो या फिर किसी और के अंडर में, उन सभी का सर्कल यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, पूरा सब कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन उन्हें देंगे। तो अगला पॉइंट से, यह प्रस्ताव प्रॉपर्टी के मूल की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्कल रेट के आवश्यक प्रमाण के साथ होगा। यहाँ पर बताया जाए प्रॉपर्टी की जितनी भी प्रस्ताव है उन सभी सर्किल के रेट के हिसाब से सभी का जो रेट होगा वो बताया जाएगा। तो कंसिडरेशन वैल्यू या उसके किसी भी हिस्से के भुगतान में कोई भी चूक EMD सहित सेबी के साथ पहले से भुगतान जमा की गई किसी भी राशि के भुगतान पर परिणाम होगी। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का शर्तें जो इन्होंने बताया था। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, इसलिए दोस्त
हो सकता है मैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ना देख पाऊँ, हो सकता है मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ, या फिर जिन लोगों को चाहिए कि मैं नहीं मुझे आज ही इन्फॉर्मेशन पूरा चाहिए, तो वे लोग इस पेज के इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज जहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ वहाँ से हो सकता है मैं आप लोगों को कल इन्फॉर्मेशन दूँ पॉइंट नंबर 6 से। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पूरा पूरा समझाना होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से फिर एक गुजारिश करता हूँ कि जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हो सकता है कि आप लोगों को इसके ऊपर एक वीडियो और मिल जाए जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया हो। और उस वीडियो को पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल मौर्यजी लाइव टच को सब्सक्राइब करके रखेगा और साथ में आई हुई बेल आइकन को ऑन करेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हर व्यक्ति के पास इसका इन्फॉर्मेशन हो जाए, जिससे वे जो गलत वीडियो को शिकार हो रहे हैं और लोग भुगतान के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमारा भुगतान आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलने वाला है, उनका में आ गया, हमारा क्यों नहीं आया, तो ऐसे लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, वे लोग भी देख लें। अगर जिन दोस्तों को ये वीडियो झूठ लगी हो तो उन दोस्तों के लिए मेरा कोई सलाह नहीं है, वे लोग जैसे आए वैसे जा सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके दोस्त, आप सभी का अधिक प्यार पाने के लिए मैंने इस वीडियो को भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बहुत अधिक प्यार दिखाते हैं, तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी जितना प्यार दिखाते हैं उस हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो भी देता रहूँ। थैंक यू दोस्त आप सभी का इस वीडियो पर अधिक प्यार जताने के लिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने के लिए।